नमस्कार आदाब सत आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी की खिदमत में हाजिर हूं और माफी चाहूंगा थोड़ा सा डिले के लिए टेक्निकल ग्लिच हो गया था वीडियो जो है आपकी लाइव उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही थी मेरी कोई गलती नहीं इसलिए मैं हाथ खड़े कर लेता हूं पर ठीक है आई एम टेकिंग द रिस्पॉसबिलिटी एंड लाइबिलिटी टू हू तो फटाफट से अपने दोस्तों को कर दो क्लास को शेयर अब क्योंकि भैया को मिल गया है मौका क्या अब कोई हमसे यह नहीं कह सकता भैया आगे जो क्लासेस होने वाली है कि भैया तुम लेट क्यों छोड़ रहे हो क्योंकि हम लेट शुरू कर रहे हैं तो लेट छोड़ेंगे भी तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा पार्ट वन बड़े पढ़ा है कि भैया पार्ट वन पढ़ाने जा रहे हैं लेकिन इसमें पूरा का पूरा मैं चैप्टर खत्म करने की हम पूरी कोशिश करने वाला हूं ठीक है ना चैप्टर का नाम सभी जानते हो गोइंग प्लेसेस आज हम देखने वाले हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो कि लिखा हुआ है विचार कर रही है तो भैया आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा इस चैप्टर के नाम के बारे में गोइंग प्लेसेस गोइंग का मतलब जाना प्लेसेस का मतलब जगह यहां पर प्लेसेस जगह नहीं है ये बंदी जो है ना इसका नाम है सोफी इस लड़की का क्या नाम है सब लोग बता दो तो भैया इस लड़की का नाम है सोफी इस लड़की का नाम है सोफी और ये भाई साहब इतना डे ड्रीमिंग करती है इतना सोचती है इधर से उधर उधर से उधर से उधर इधर इधर उधर मतलब इसको

अमन अहमद बोल रहे हैं, इमेजिनेशन बिल्कुल बेटा अमन अहमद मानसी चौहान बोल रही आदित्यम श्रेणामी धन्यवाद ऑफिशियल तिवारी जी सुरभि बुंदेला दिव्या रॉयल गर्ल सलमान आलम इट्स माही अरे वाह भाई साहब कितने सारे लोग हैं अनु कुमारी सौरभ यादव जूली शिवांगी रघुवंशी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गक्षामी पायल चौहान आदित्यम शरणम गक्षामी धन्यवाद मिस्टर आरव और कौन है भाई सेवेज क्वीन इज आल्सो सेइंग आदित्यम शरणम गक्षामी चलो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को जय हिंद अब हम लोग करते हैं सेशन की शुरुआत सुमेर बोल रहे हैं गुड इवनिंग बेटा अनुराग गुड इवनिंग बेटा मानसी चौहान चलो सबका नाम ले लिया कोई समस्या परेशानी नहीं है कोई गम नहीं किसी को अब

बाटन इज अ मॉडर्न राइटर बिल्कुल सही बात दूसरी हु लिवस इन जूरिच रहते कहां जूरिच में रहते हैं दूसरी बात एंड राइट इन इंग्लिश और लिखते किस लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तीन बातें तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स में तुमसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है क्योंकि अबाउट द ऑथर वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है कई बार बोर्ड पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑथर के बारे में कई कई चैप्टर्स के और आप नहीं बता पाते जो कि शर्मसार शर्मसार कर देने वाली बात तो आप नहीं होंगे और यहां से सीख के चलेंगे इनका नाम है ए आर बाटन बहुत ही बढ़िया ये फाइटर पायलट रहे है, है ना साथ ही साथ मॉडर्न राइटर है इंग्लिश में लिखते हैं और ये जूवरिच में रहते हैं साथ ही साथ इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस ये बात किसकी करेंगे बर्टन एक्सप्लोर द थीम थीम अभी से जान लो बेटा चैप्टर की इस चैप्टर की थीम क्या है थीम जब पता होती है ना बहुत सरल हो जाता है चैप्टर को पूरी तरीके से समझना थीम है दो चीजें भैया पहला अडोलिसंस फेंटिसाइजिंग अब एडोलिसेंस फेंटिसाइजिंग का मतलब क्या एडोलिस एंड हीरो वर्शिप दोनों का मतलब समझाता हूं एडोलिसेंट क्या होता है बेटा एडोलिसेंट का मतलब होता है बेटा किशोरावस्था क्या होता है किशोरावस्था का तो ये कौन सी अवस्था होती है भैया देखो एक होता है आपका आप हो ना राही हूं तो आप चाइल्डहुड उसके बाद क्या होता है, है थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या बोलते हैं आप उसको इन्फेंट से बड़ा होने पर आप बच्चे को बोलते हो चाइल्ड तो चाइल्डहुड चाइल्डहुड कब तक चलता है बारह तेरह साल तक फिर क्या आ जाता है अडोलीस जिसको आप बोलते हो टीन एज टीन एज कब से शुरू होती है थर्टीन फोर्टीन 15, 16, 17, 18, 19 ये टीन है तो भैया तेरह से लेकर के सत्रह साल की उम्र क्या कहलाती है किशोरावस्था एडोलि उसके बाद वाली क्या होती है भैया उसके बाद एडल्टुड फिर क्या आ जाता है फिर ओल्ड एज फिर सेनेलिटी अलग अलग चीजें आती रहती फिलहाल

राष्ट्रपति मुझको यू नो वीर पुरस्कार देंगे ऐसे तुम भी सोचते होगे तो से बहुत सारे होंगे होंगे जो ऐसा करते पर एक लड़की लड़की है यही लड़की, ये दीदी जिनका नाम सोफी है बहुत बड़ी वाली है, ये भी बहुत सोचा, साची करती रहती है। साथ ही साथ हीरो वर्शिपिंग ही क्या होता, एक तो होता है भैया गॉड वर्शिपिंग यहां पर हीरो वर्शिपिंग और वो कौन कोई बड़ा फिल्म स्टार अरे भैया सोनू सूद आपित हो देवा देवा भैया एमसी स्टैंड बस एमसी स्टैंड के भैया पैर भैया 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 ऐसे पैर छूने पहुंच गए यानी कि हीरो वर्शिपिंग का मतलब क्या है जो आजकल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आजकल रैप सॉन्ग जो गाते हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे आजकल कई सारे टीचर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लेकिन अधिकतर बच्चों को कौन इन्फ्लुएंस करता है अधिकतर बच्चों को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग होते हैं यही जो मतलब कि उल्टे आड़े तेड़े बाल बना लेंगे यो यो ऐसो ऐसे ऐसे करेंगे ऐसा ऐसे ऐसे बच्चे एकदम अरे बस यही तो करना है हमको भी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई क्यों करेंगे हम भी जाकर यू 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 यू, यू करेंगे बाल ऐसे करवा लेंगे कर, मुंह से तेड़ी करवा लेंगे ठीक है ना कान छिजवा लेंगे पेट छिजवा लेंगे शरीर छिजवा लेंगे हम भी छिज जाएंगे और क्या करना है जिंदगी में ऐसे लोगों से भैया क्या हो जाते हैं ऐसे लोगों से हम हो जाते हैं ऐसे लोगों की हम पूजा करने लग जाते हैं तो एडोलेशन फ्रेंटिस एंड हीरो वर्शिपिंग दो बात समझ में आ गई होगी तुमको आगे बढ़ जाते हैं हां जी गुड वे टू टीच अमेजिंग हियर मी ज्वाइनिंग न्यूली चलो विदिश सिंह मजा आएगी मजा ही आनी चाहिए भैया पढ़ाई का एक ही मूल मंत्र है मजा आनी चाहिए ठीक है मतलब ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आती जब तक तुमको मजा ना जब तक ये ना लगे कि यार पढ़ाई में भी फन हो सकता है तो वेयर इज फंड देर इज स्टडीज राइट चलो अब बढ़ते हैं भैया ऑथर के बारे में जान लिया अब चैप्टर की थीम के बारे में जान लेते हैं वैसे थीम आपने जान लिया पर तब भी पढ़ लेते हैं ताकि थीम जब पता होती है ना तो भले अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो थीम से निकाल कर कुछ उसमें बुंद हो जाकर के रायता ही तो फैलाना है भैया लॉन्ग आंसर में पांच नंबर मिलने वाले हैं तीन नंबर मिलने वाले तुमको शॉर्ट आंसर रायता फैलाना आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से जिसने रायता फैला लिया तो काट देगा आइए हा चलो द स्टोरी द शॉर्ट स्टोरी गोइंग प्लेस एक्सप्लोर द होप्स एंड डिजायर्स ऑफ यंग पीपल किसके बारे में बात करती है होप्स एंड डिजायर्स अब होप और डिजायर दो अलग अलग शब्द हैं इनमें कंफ्यूज नहीं होना है दो अलग शब्द हैं होप का मतलब होता है आशाए मिले दिल की बस उसके बाद ड्रीम्स डिजायर्स क्या होती है भैया ये करना है वो चाहते हैं डिजायर मतलब जो भी आपकी ड्रीम्स है जो भी आपकी डिजायर है वो अलग चीज है और आशाएं अलग चीज होती है आगे देखते हैं ऑफ यंग यंग पीपल पीपल किसकी बात करेंगे इस चैप्टर में में बेटा क्या है लाइम लाइट वही उनके ऊपर बात होगी एज वेल एज द एंग्विश अब एंग्विश का मतलब क्या होता है एक होता है भैया अरे पैर पिर आ रहा है बाबा हाथ दर्द कर रहा है वो तो हो गया पेन और कभी कभी आप दिमाग से यार अरे यार गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई यार पढ़ाई में मन नहीं लगेगा अरे या ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतजाम देखेगी तो ये सब क्या है भाई? एंग्विश एंग्विश का मतलब होता है मेंटल पेन मेंटल पेन मेंटल पेन को आप बोलते हो भैया एंग्विश किस चीज की एंग्विश है भैया एज वेल एज द एंग्विश ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स एंड अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस अगर किसी ने तुमसे वादा किया वादा किया तो निभाना पड़ेगा और नहीं निभाया तो भैया एंग्विश होती है दिमाग में एकदम पापा ने कह दिया तुम्हारे नब्बे परसेंट आ गए तुमको बुलेट दिलवाएंगे अब पापा को लगा था इसके क्या ही नब्बे आएंगे तुम बेटा बांध भी ले अब पापा कह रहे नहीं 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 पहले बी कर लो पहले बी कर लो फिर गाड़ी दे अब पापा को देख के वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए पापा धोखेबाज मनीमन बोलोगे मुंह पे तो बोल नहीं पाओगे जूता चल जाएगा मनीमन बोलोगे

डील्स विद द इंट्रसेसीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स और ह्यूमन रिलेशनशिप किस तरीके के होते हैं उस पर भी हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं ठीक है जी सभी को क्लियर है क्या बन रही भैया आज तो कहर डा दिया यार यार हम तुम्हारे चलो ठीक है बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए इंट्रोडक्शन अब कर लेते हैं उसके बाद से हम चैप्टर शुरू कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन द स्टोरी रिवॉल्व अराउंडी इस, इस चैप्टर में अगर आपको किसी को अच्छे से जानना है तो वो है सोफी है ना सोफी के बारे में अभी सब सीखोगे हर फैमिली एंड फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी स्टोरी इस सोफी के घूमेगी ठीक है ना शी इज डे ड्रीमर सोफी के बारे में क्या पता चला ये ये बार बार तुम्हारे शॉर्ट आंसर्स आंसर्स में आंसर्स में लॉन्ग तुम लिख रहे हो ये अभी से पकड़ के चलो भैया डे ड्रीमर सोफी कैसी है डे ड्रीमर अब डे ड्रीमर क्या होता है भैया डे ड्रीमर यानी कि जो दिन में भी ख्याल बुन रहे हैं अरे वाह मैं तो चांद की सैर कर रहा हूं अरे इंद्रदेव मुझे अपने एरावत पर बैठाल करके घोड़े की तरीके घुमा रहे हैं ऐसा कुछ सोचना ठीक है ना

नीण 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 इस तरीके से खाने को मोमोज तो वहां से भी लेकिन वही वो डंडी से खाएंग से ऐसे करके उंगली तो ये क्या सोफिस्टिकेटेड बनने के तरीके और क्या द स्टोरी सडनली ट्विस्ट अप और स्टोरी का दूसरा पार्ट तब शुरू हो जाता है एकदम से स्टोरी भैया वक्त बदल देगी जज्बात बदल देगी जब वेन सोफी मेक अ वाइल्ड इमेजिनेशन एक होती है भैया हल्की फुल्की इमेजिनेशन की भैया औकात में के वाइल्ड एकदम आउट ऑफ दी अब यू नो मतलब आउट ऑफ दी वर्ल्ड बातें करने लग जाए कोई मेक अ वाइल्ड इमेजिनेशन ऑफ मीटिंग डेनी डेनी कैसी कैसी अब Danny कौन ही इज अ फेमस फुटबॉलर ऑफ आयरलैंड आगे सी ऑल्सो मेक्स आई स्टोरी इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर दैट कैसी विल कम टू मीट हर ऑन द फिक्स डे एज पर द प्रॉमस मेट टू हर अब देखो इंट्रोडक्शन तब उतना समझ में नहीं आता जब तुम शुरुआत में पढ़ रहे होते हो

समस्या परेशानी होगी कमेंट सेक्शन घेर देना तुम देख लेंगे मैं डेनिक आयरिश फुटबॉल प्लेयर जो कि बहुत ही टैलेंटेड है साथ ही साथ कौन है बेटा? है एक friend and classmate of Sophie. Sophie की बहुत ही प्यारी बार नहीं कम से कम सात आठ बार पूछा गया क्वेश्चन मतलब है आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा तो जब जैनसी की बात हो जब सोफी की बात हो तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना ताकि जब तुम्हें अपना आंसर पिरोना हो जब तुम्हें रायता

आगे बढ़े अगला कौन है जी ऑफ जी ऑफ कौन है बोले तो बडा भाई बड़ा भाई किसका सोफी का बड़ा भाई जी ऑफ सोफी का छोटा भाई सोफी का छोटा भाई डायरेक्ट ठीक है एक बार मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूं सारे नाम सुन लो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है सोफी कौन है सोफी सोफी की दोस्त का नाम क्या है जेनिसी सोफी की दोस्त का नाम क्या है जेनिसी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे सोफी के बड़े भाई का नाम क्या है सोफी के छोटे भाई का नाम क्या है डेरेक और सोफी के दो लोग और इसमें मम्मी और पापा एक छोटा सा कैरेक्टर और आएगा जिसका नाम है फ्रेंक फ्रेंक कौन है जेनेसी का बड़ा भाई नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं चार कैरेक्टर फिर से सुन लो सबसे पहला कैरेक्टर सोफी सोफी के बारे में क्या जानते हो सोफी एक डेड रिमर है सोफी बहुत बड़ी भुलपकड़ा है मतलब दिन भर

दोनों हाथ में हाथ डाले एकदम घूमती हुई चलिए लड़कियों वैसे भी देखते हैं। चिपक के चलती है बड़ा एकदम चिपिट चिपट हमारे स्कूल में क्या था हमारे स्कूल भैया भैया तो मामला था नहीं लड़के अलग रूम पढ़ते थे लड़के अलग कमरे में हमारे यहाँ सेक्शन होते थे ना ट्वेल्थ ए ट्वेल्थ बी ट्वेल्थ सी तो भैया लड़की चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो उसको ट्वेल्थ ए में ही रहना है और लड़के अच्छे लड़के ट्वेल्थ बी में होते थे और गवार टाइप के जो होते थे हमारे टाइप के हालांकि हम अच्छे थे यार ट्वेल्थ बी में ही थे हम ट्वेल्थ सी में होते थे तो होता यह था कि अगर लड़कियों से बोला जाता था जाओ फलानी क्लास से जाके डेस्टर लेकर के हम जब पढ़े तब चौक से पढ़ाया जाता था तो भैया लड़की एक नहीं आती दो लड़कियां आती थी हाथ में हाथ पकड़े सर मैम ने बोला है कि चौक दे दो अब भैया एक चौक भी नहीं चाहिए दोनों को एक एक चौक चाहिए दोनों आएंगी दोनों लेके जाएंगे कभी डेस्टर्ड चाहिए दोनों आएंगी सर में आई सर और भैया लड़के एकदम ऐसे अरे हरे लड़की दिख गई क्या अरे ये तो नया प्राणी दिख गया भाई क्योंकि भैया जैसे स्कूल में हम पढ़े हैं वहां पे लड़की दिखना यानी कि नया प्राणी दिख जाना अरे भाई लड़की है क्या ये वाकई में यही होती है लड़की ओहो छोटी है इसके तो अरे ये तो बड़े इसके तो दाढ़ी भी नहीं है हालांकि ट्वेल्थ में तो कुछ बच्चों की दाढ़ी आ जाती है तो हमारे लिए ऐसा था मामला ठीक है चलो तो ये भी चली आ रही है अपने दोस्त के साथ कहां से कहां भैया तो वेन आई लीव जब मैंने वो बोल रही है कमिंग फ्रॉम स्कूल कौन है भैया सोफी सेड सोफी ने क्या बोला कि जब मैं स्कूल से चली जाऊंगी ना जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी जब मेरा स्कूल कंप्लीट हो जाएगा आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक तो मैं क्या खोलने वाली हूं एक बुटीक खोलने वाली हूं अब बुटीक क्या होता है आई स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स एक ऐसी दुकान जो भैया फैशनेबल क्लॉथ्स बेचती है कपड़े बेचती है उसको हम बोलते हैं बुटीक ठीक है जी लिंकिंग आर्म्स विदर अलॉन्ग द स्ट्रीट लुक डाउटफुल और जेंसी कौन है ये जो जेंसी है लिंकिंग आर्म्स का मतलब क्या है लिंकिंग आर्म्स लिंकिंग आर्म्स का मतलब जब मान लो मेरे साथ में कोई चल रहा हो ऐसे हम लोग हाथ ऐसे करके चल रहे जैसे ये दोनों चल रहे तो लिंकिंग आर्म्स विधर अलॉन्ग द स्ट्रीट स्ट्रीट यानी कि गली में लुकड डाउटफुल मतलब कि वो थोड़ा सा डाउटफुल फील करे कर ऐसा कैसे हो सकता है इतना हम लोग के पास पैसा भी नहीं कि हम लोग बुटीक खोल सके तो इनको थोड़ा सा समस्या लग रही है जेंसी को टेक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट तो क्या बोल रही है ये बात किसने बोली ये बात जेनसी ने बोली ये बात किसने बोली जेनसी ने

टेक यू अर लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच जैसी क्या बोल रही बहुत टाइम लगेगा इतना पैसा इकट्ठा करने में जिससे तुम एक बुटीक खोल सको कोई समस्या रहे पूछ लेना ठीक है ना चलो आगे चलते हैं वेल well, सुब्रजीत पॉल बोल रहे हैं भैया है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है अरे जितना इंटरेस्टिंग है उससे दस गुना इंटरेस्टिंग तुम्हारा भाई बनाएगा यार विश्वास रख के बस पढ़ाई करो और दोस्तों में शेयर करो आ जाइए वेल आई विल बी मैनेजर देन यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विद टेल टिल आई हैव गॉट इनफ बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ टू डू जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक अब देखो सोफी क्या बोल रही है जब जेन्सी ने बोला कि बहुत टाइम लग जाएगा तुम इतना पैसा इकट्ठा करने में तो भैया क्या बोल रही है जेन्सी जेंसी नहीं सोफी बोल रही है Sophie बोल रही है तो फिर मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी है ना ऑफकोर्स मैनेजर बन जाऊंगी मतलब शुरुआती दिनों में मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी टू विद की शुरुआत करने के लिए मैं एक मैनेजर का काम कर लूंगी टिल आई हैव गॉट इनफ जब तक मेरे पास अच्छे से पैसा नहीं आता बट एनी आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक लेकिन मुझे पता है ये कैसा होने वाला है किस तरीके से मैं चीजों को मैनेज करने वाली हूं ठीक है ना बहुत ध्यान से देखना जब मैं बोल रहा हूँ कि कहां पर सोफी बोल रही है कहां पर जेनेसी बोल रही है आगे देखते हैं वॉन्ट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ अब देखो ये प्यार से सोफी को क्या बोलती है सॉफ्ट बोलती है है ना सॉफ्ट खाने वाली नहीं नॉर्मल सॉफ्ट बोल रही है ये किसने बोला जेनेसी ने जेनेसी ने बोला यार कोई भी कंपनी तुम्हें सीधे मैनेजर नहीं बना देगी यार अब देखो इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है इससे तुम्हें पता चल रहा है जो लड़की जेनेसी है ना ये रियलिस्टिक है तुम्हें तो धीरे धीरे दिख जाना चाहिए ये क्या है रियलिस्टिक है और अगर रियलिस्टिक है इसका मतलब है एक बंदी इधर जो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाओ खाते कोई आइडिया नहीं कोई प्लानिंग नहीं बस बातें हैं और ये बंदी रियलिस्टिक है तो इन दोनों में अभी से अंतर दिखना शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन क्यों बहुत प्यारे प्यारे आने वाले सागर मीना इज सेइंग आई एम न्यू स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है लग जा गले रोज है भैया मुलाकात लेकिन यहीं तक गाते हैं लग जा गले ठीक है हमारे सभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए आगे सोफी सेड आई विल बी नेचुरल आई विल बी लाइक मैरी क्वांट सोफी ने क्या बोला जब जेनेसी ने बोला कि यार कोई भी तुम कोई भी कंपनी तुमको तुरंत मैनेजर नहीं बना देगा सोफी क्या बोल रही है सोफी कह रही है अरे आई विल बी लाइक मैरी क्वांट मैरी क्वांट कौन है मैरी क्वांट ये है जो बहुत ही बढ़िया फैशन डिजाइनर हुई और कहती क्या आई विल बी नेचुरल मैं बिल्कुल नेचुरल रहूंगी बिल्कुल चिलपिल रहूंगी दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट आई हैव द मोस्ट अमेजिंग सोप सिटीज एवर हैव सीन सोफी बोल रही है लोग देखेंगे कि किस तरीके से मैंने चीजों को स्टार्ट किया और मैं इस पूरे शहर की इस पूरी सिटी की सबसे ज्यादा अमेजिंग बुटीक शॉप की मालकिन बनूंगी सबसे ज्यादा अमेजिंग बुटीक शॉप को खोलूंगी ठीक है ना यहां तक सभी को क्लियर है आगे चलते हैं जेन्सी नोइंग देवर बोथ इन मार्ग फॉर द बिस्किट फैक्ट्री एंड मार्ग का मतलब क्या है एंड ईयर मार्ग का मतलब होता है बेटा ईयर मार्ग का मतलब क्या होता है ईयर एयरमार्क का मतलब होता है वेन यू आर यू नोट Uh, पहले से ही जब तुम किसी चीज के लिए सुटेबल uh, हो जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है टू चूज समबडी और समथिंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर है ना पहले से ये लोग रिजर्व है क्या है रिजर्व है जैसे तुम लोग जाते हो कभी किसी रेस्टोरेंट में तो तुम देखते हो यार एक सीट पर लिखा हुआ है भैया रिजर्व तो रिजर्व का मतलब है किसी ने पहले से उसको बुक कर रखा है उसी तरीके से ये जो सोफी और जेनसी है इन दोनों को पहले से ही रिजर्व कर रखा है इनके माता पिता ने कि भैया ये लोग ट्वेल्थ के बाद क्या करने वाले हैं जब इनका स्कूल खत्म हो जाएगा ये लोग बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने वाले बिकेम मेलन कॉली मेलन कॉली का मतलब क्या होता है सैड अब देखो एक अच्छा दोस्त ही होता है जो अपने दोस्त की बकवास बातों को सुनकर के दुखी होता है कि यार इतने बड़े बड़े सपने देख रहा है पूरे नहीं हो पाएंगे रियलिस्टिक नहीं है सुनो मेरी बात यह भी पता चला कि जेंसी क्या है एक गुड फ्रेंड है शुरुआत से ही देखते चलो बेटा इन दोनों काट तो तो दोगे ना चलो बड़े बड़े बोल, बोल. बताया ना ब्लू लहंगे में मेरी फोटो है. यहां अलग ही बातें चल रही है चलो प्री प्लान एग्जैक्टली दे आर इन ईयर मार्क ठीक है ना रिजल्ट वेरी गुड बेटा सलमान विधि सिंह तो जेंसी नोइंग

आगे आ जाओ वेन दे रीच सोफीज स्ट्रीट जेंसी सेट इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफ यू रियली शुड बी सेंसिबल अब जेंसी क्या बोल रही है जेंसी बोल रही है कब बोल रही है जब सोफी की गली आ गई जहां पे सोफी का घर वाली गली जब आ गई तो इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे सोफ कि बस कुछ ही महीने बचे हैं सोफी मतलब फिर हम लोगों का स्कूल छूट जाएगा हम लोगों को फिर बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा यू रियली शुड बी सेंसिबल अब तुम्हें सेंसिबल हो जाना चाहिए सोफी ठीक है दे डोंट पे वेल फॉर स्टॉप वर्क यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ दे दे का मतलब क्या है? दे का मतलब है पेरेंट्स ऑफ सोफी कि वो ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा पक्का मना कर देंगे अगर तुम बुटीक की बात भी करोगे ना घर जाके तो तुम्हारे पापा क्या करेंगे मना करेंगे सीताराम शरण बेटा नमस्कार राधे राधे जय हिंद ठीक है चलो <coughs> आगे आ जाइए है ना योर डैड वुड नेवर अलाउ इट तुम्हारे पापा कभी अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें बुटीक खोलने के लिए और एन एक्ट्रेस नाउ देर रियल मनी इन दैट तो वो क्या बोल रही है सोफी सोफी बोल रही है अच्छा चलो ठीक है अगर मैं क्या बोलते मैनेजर नहीं बन पाई तो क्या मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी ठीक है ना मैं क्या बन जाऊंगी क्या क्या बन जाऊंगी नाउ देर इज रियल मनी क्योंकि वहां पर तो काफी पैसा है ना यस एंड आई कुड बी एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड और कह रही है कि भैया क्या पता मैं साइड बाई साइड बुटीक भी खोल लू अपना मैं एक तरफ वो बनी रहा हूं एक एक्ट्रेस और साइड बाई साइड एक बुटीक खोल लू एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम अब उसको पता भी नहीं है क्या कह रही है सोफी सोफी बोल रही है ये सारी बातें कौन बोल रहा है सोफी जेंसी से की पता है तो वैसे भी शायद पूरा दिन काम नहीं करते उनको तो भैया पार्ट टाइम जॉब की तरीके करना होता है और फिर पूछ रही है क्या वो वाकई में पूरा दिन काम नहीं करते ना उसको पता नहीं है जिस प्रोफेशन के बारे में वो बनना चाहती है वो तो ये अनरियल ये अनरियलिस्टिक होना बहुत खराब है लोग आपसे बोलते हैं टीचर्स आपसे बोलते हैं क्या वो लोग बोलते हैं आपसे कि भैया ऊंचा सोचो बड़ा सोचो लेकिन वो सोचो जिसके बारे में जानते हो है ना ये नहीं सोच सकते ना यार कि तुम कुछ ऐसा जो तुम जानते भी नहीं वो बनने लगे पहले जानो तो चीजों को ठीक है ना चलो बात समझ में आगे चलते हैं आगे आगे, 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 आगे एनी वे दैट एनी वे एनी वे दट आर अ फैशन डिजाइनर यू नो समथिंग सोफिस्टिकेटेड या फिर मैं कुछ और बन जाऊंगी फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी जो भी बनूंगी मैं सोफिस्टिकेटेड यानी कि थोड़ा सा मॉडर्न बनने की कोशिश करूंगी जिसको लोग इज्जत करें थोड़ा सा मॉडर्न लगू ठीक है ना अगर देखते हैं एंड शी टर्न इन <coughs> दो द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन और उसके बाद जो सी कौन है यहां पर सी का मतलब है सोफी इसके बाद सोफी जो थी टर्न इन टर्न इन का मतलब अपने घर में चली गई है ना अपना दरवाजा खोल करके और जेंसी वहीं पर खड़ी रह गई रेन में मतलब बारिश हो रही होगी उस समय क्या पता छाता हो ना हो नहीं पता लेकिन उस समय ये लोग वहीं पर खड़े रह गए ठीक है ना सर आपके जैसी बॉडी कैसे बनाए भैया मेरे जैसी बॉडी यार एक फिलहाल का समय जो है मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूं अपनी बॉडी के लिए वरना एक समय पे बहुत रोज रनिंग करते थे हम है ना क्योंकि हम डिफेंस में कुछ समय के लिए थे ना? है ना रनिंग करते हैं जा करके करते थे सही साठ खाना खाते थे दो दो गिलास दूध पी लेते थे मम्मी ध्यान देती थी इन सब चीज़ों का और बाकी बाहर का खाने से बचते थे बस आज के समय में इतना ही किया जा सकता है और थोड़ा खेल कूद में मेरा मन हमेशा रहता है इवन अभी भी हमको छोटे बच्चे खेलते दिख जाते हैं तो हम कभी कभी खेलने लग जाते चलो तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल लेते हैं बॉलिंग करा लेते हैं कुछ भी कर लेते हैं फील्डिंग कर लेते हैं ना बैटिंग दे रहे हैं ना बॉलिंग दे रहे बच्चे हैं वो कहीं भैया इतने बड़े हो तो हमें फील्डिंग कर लें फील्डिंग कर ली थोड़ा सा अपने अंदर जिंदा दिल रखो मेरा खेलने में बहुत मन लगता है अभी मेरे किसी फोन दोस्त का फोन आ जाए तो क्या पता मैं नौ बजे वाली क्लास छोड़ के पढ़ाने चला खेलने चला जाऊं फिर वही अगले दिन हम दो घंटे पढ़ाने चले आएंगे ठीक है ना चलो <coughs> आगे बढ़े भाई आरुषि बेटा गुड इवनिंग आगे बढ़ते हैं इफ एवर आई कम इन टू मनी आल बाई बुटीक हाँ इफ यू एवर कम इन टू मनी अब देखो क्या हो रहा है भैया एंड शी टर्न इन थ्रू एंड इन टर्न इन एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन रेन अब भैया सोफी अपने घर में आ गए और आते आते क्या बोल रही है आते आते बोल रही है इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई अ बुटीक वो अपने घर में आके क्या बोल रही है अगर मेरे पास कभी भी पैसा आ गया, कभी मैंने नोट छापने लग गई तो मैं क्या करूंगी मैं एक बुटीक खोल लूंगी वो अपने पापा से अपने घर वालों से क्या बोल रही है तो मैं एक बुटीक खोल लूंगी इफ यू एवर कम इन टू मनी इफ यू एवर कम इन टू मनी यू बाई एस अस्डेंट हाउस टू लिवन थैंक यू वेरी मच अब देखो उसके पापा क्या बोलते हैं सोफी का पापा बोलते हैं अगर तुम्हारे पास कभी पैसा आया दो बार बोल रहे हो वो थोड़ा उनका मजाक कर रहे हैं मजे ले रहे गरीब लोग हैं भैया ज्यादा ऊंचा नहीं सोच पाते तुम भी जानते हो तो मजा करते हुए तो अच्छा सा, सा घर खरीदोगी थैंक यू वेरी मच अब यहां पर थैंक यू वेरी मच बेटा दो लोगों से कहा जा सकता है एक तो शायद सोफी से कहा है मुझे भी क्लियर नहीं इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं और दूसरा शायद सोफी की मदर से कहा क्यों सोफी से इसलिए भैया कि ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा थैंक यू ये सेंस हो सकता है। और सोफी से मदर से इसलिए क्योंकि सोफी की मदर ने उनको एक पाई खाने को दिया पाई अभी आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा ठीक है ना ना अभी समझ में आए तो पूछना मेरे से सर भोजपुरी में अरे बोल देंगे भाई में टेंशन मतलब क्लास को शेयर करो पढ़ने में दिमाग लगाओ ठीक है ना अब यह कौन है भाई साहब साजिद विद सेवेंटी फाइव डेज फ्री पैलेस्टाइन क्यों भैया तुम पैलेस्टाइन में रहने वाले हो क्या फ्री पैलेस्टाइन फ्री पैलेस्टाइन भैया पैलेस्टाइन वाले क्या क्या समस्या आ रही भैया है? मतलब हमारी क्लास इंटरनेशनल हो गई बच्चों ओ, चलो आज पार्टी हम सब की आज हम लोगों को पता चल गया अपनी क्लास इंटरनेशनल हो चुकी है जो काम यूएसए नहीं कर सका जो काम यूएनओ नहीं कर सका जो काम नाटो नहीं कर सका जो काम यूनेस्को नहीं कर सका वो काम हम लोगों से करवाया जा रहा है हम लोगों के कमेंट सेक्शन में आ रहा है फ्री पैलेस्टाइन क्या बात है देख रहे हो हम लोगों से कितनी बड़ी उम्मीदें भैया मेहनत कर लो हम लोगों से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर के लोग आते हैं ठीक है ना इतने सारे लाइव क्लासेस में लोग दस दस हजार टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन यहां पर आकर के कोई कह रहा है ठीक है ना और बेटा अमन अहमद प्लीज यार चुल्ल करना बंद कर दो कि भैया भोजपुरी में थोड़ा बोलिए भोजपुरी में थोड़ा बोलिए ठीक है थीके? बोल देंगे जब मुझे लगेगा मुझे बोलना चाहिए वो मेरे अंदर से आता है मैं बनने की कोशिश नहीं करता हूं जो तरीका है मेरा पढ़ाने का वही करेंगे ना बाबा चलो देखो यू विल बाय अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन थैंक यू वेरी मच आगे बढ़ते हैं सोफीस फादर वाज स्कूपिंग सैफरड्स पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज इक्वल्ड हिज प्लम फेस स्टिल ग्रिमिएंट सो इट मार्क्ड फ्रॉम द डे देखो बेटा बहुत ध्यान से समझना वरना चूक जाओगे सोफीज़ फादर वाज स्कूपिंग स्कूपिंग का मतलब होता है भरना बहुत जल्दी-जल्दी भरने में लगे पड़े खाना क्या भर रहे हैं भैया शेफर्ड पाई शेफर्ड पाई बेटा एक तरीके से मैदा होता है ब्रेड होती है उसके ऊपर या तो बीफ होती है जो गाय की चर्बी होती है यानी गाय की बॉडी से बनता है या फिर वो सुवर की बॉडी से या फिर चिकन तो इस तरीके का दिखता है ठीक है ना जो शेफर्ड पाई होता है तो वो खाने में लगे पड़े बहुत जल्दी जल्दी भर रहे हैं एज ही कुड गो यानी जितना जल्दी खा सकते हिज प्लम्प फेस प्लम्प का मतलब ऐसे गोल मटोल सा तो चेहरा उनका बड़ा भारी सा चेहरा वो देखा तुम लोगों ने तारक मेहता को इतना दसमा उसमें एक हुआ करते थे भैया हाथी भैया हाथी भाई साहब होते तो भैया हाथी भाई साहब इस तरीके इनका मुंह है स्टिल ग्रिमी ग्रिमी का मतलब क्या बहुत ही गंदा एंड स्वेटी मतलब कि ग्रमी भी है गंदा भी है और स्वेटी भी है यानी कि बहुत पसीना निकल रहा है मार्ग फ्रॉम द डे इसका मतलब समझो मार्ग फ्रॉम द डे का क्या मतलब है यानी कि इससे पता चल रहा है उनका चेहरा गंदा है उनका चेहरा बहुत ही पसीना निकल रहा है उनके शरीर पर यानी कि बहुत मेहनत करते हैं और इससे यह भी पता चलता है कि ये लेबर टाइप का कुछ काम करते हैं है ना जो बहुत मेहनत करता है शारीरिक मेहनत जैसे कि रिक्शा चलाना हो गया जैसे कि ईटे को उठा करके दूसरी जगह ले जाना मिस्त्री का काम लेबर का काम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क रिक्वायर्ड होता है ठीक है ना स्कूपिंग यानी कि ईटिंग वेरी फास्ट वेरी वेरी, वेरी गुड बेटा जूली <coughs> यहां तक समझे सी थिंग्स मनी ग्रोज ऑन ट्री डोज सी सेड लिटिल डायरेक्ट डायरेक्ट यानी कि जो छोटा भाई है सोफी का वो क्या कह रहा है ऐसा लगता है वो अपने पापा से क्या बोल रहा है वो बोला पापा इसको लगता है सोफी को लगता है सी मतलब सोफी को लगता है कि जो पैसा है ना पेड़ पे उठता है तुम लोगों के okay, मम्मी पापा ने जरूर कभी ना कभी बोला होगा तुमको क्या लगता है पैसा पेड़ पे उठता है कि भैया गए झड़िया लिया वो पैसे लेके आ गए ठीक है हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ इस फादर्स चेयर और वो क्या कर रहा है भैया पापा के चेयर पे पीछे खेल रहा है लटक करके और इतने बोल रहा देखो सोफी को लगता है जैसे पैसे पेड़ पे उगते हो Their mother signed, और उनकी मदर ने क्या किया साइन साइंड का मतलब है, इस तरीके से सांस लेता ना कोई तो उसको बोलते साइंड ठीक है यहां सभी को क्लियर है <coughs> सभी को क्लियर है भाई। अब देखो, यहां से कुछ चीजें सीखने की बात है क्या सीखो इनके पापा के बारे में कुछ चीजें सीख लो क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट सोफीज फादर तो सोफी के फादर के बारे में एक चीज तुम यह जानते हो कि सोफी के फादर जो है जो सोफेस्टिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है सोफेस्टिकेटेड कैसे नहीं है भैया काम करके आए हैं इन्होंने ना नहाया है ना धोया है ये खाना खाने जुट गए हैं पसीना निकल रहा है शरीर गंदा है हाथ पैर गंदे लेकिन ये खाना भर रहे और खाने का तरीका भी देखो लिखा है ना भाई स्कूपिंग यानी बहुत जल्दी 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 जल्दी, जल्दी भर रहे इसका मतलब ये लोग बिल्कुल भी नहीं है तमीज नहीं है इनके अंदर मैं समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ ठीक है ना और ये बात सच भी है अगर तमीज होती तो तुम्हारे घर में भी भैया हम भी साधारण वर्ग से बिलोंग करते करते थे एक्चुअली अभी भी करते हैं हमेशा रहेंगे है ना तो भैया पिताजी आते थे भले वो मेहनत करके आते थे पर पहले नहाते थे धोते थे है ना भैया थोड़ा सा फ्रेश होकर के आते थे फिर मम्मी खाना लगाती थी फिर खाना खाते थे ये क्या है आए आए उन्हें भरना शुरू कर दिया तो, तो गलत है ना बाबा ठीक है नोट कहां से मिलेंगे टेलीग्राम से मिलेंगे पता चल जाएगा लास्ट तक क्लास मने रहो, सब बता देंगे अभी पढ़ने पर ध्यान दो तो इनके पापा के बारे में तुमको पता चला कि मम्मी ने क्या किया साइन किया अब ये लोग जब चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं सोफी सोफी के पापा और डायरेक्ट कि भैया इनको तो लगता है पैसे पेट पे उगते हैं पापा से कह रहा है ठीक है ना तो ये लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं तभी तभी क्या हुआ भैया जो सोफी की मम्मी है उन्होंने साइन किया हाँ, इस तरीके से है ना जब आप राहत भरी सांस लेते हो या थोड़ा सा इरिटेशन वाली सांस लेते हो सोफी वॉश्ड हर बैक सोफी वॉश्ड हर हर यहां पर कौन है हर यानी की मदर है ना सोफी वॉश्ड हर बैक स्टूब्ड स्टूब्ड का मतलब क्या होता है बेटा उस स्टूब का मतलब होता है झुकी हुई है है ना झुकी हुई है ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉग्रुटी ऑफ द

वो अच्छी तरीके से नहीं बना उसी को बोल इन कॉन्ग्रिविटी है उसमें ठीक है ना आगे बढ़ जाए भाई आगे बढ़ते हैं द द सीमिंग बो एंड कुक्ड बैक है ना और वो क्या देख रहे कि हैं कितना ऐसे लग रहा है खुल सीमिंग और मम्मी की जो बैक है है एकदम झुकी हुई द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लीड इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड कल्टर अब देखो द इवनिंग हैड बीन ऑलरेडी ब्लैक यानी कि अब शाम हो चली थी है ना अंधेरा हो चला था बाहर ब्लैक का मतलब शाम हो चुकी थी अंधेरा होने लग गया था विंडोज

है मम्मी के साथ साथ ही इवनिंग ऑलरेडी भैया शाम हो है कमरे में मम्मी खाना भी बना रही है बर्तन भी धो रही है तो बड़ा क्या समझ रहे हो कि वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि स्टीम फैल गई है धुआं फैल रहा है कमरे में स्टोव से क्लटर्ड यानी कि सामान बहुत अस्त व्यस्त है क्लटर्ड का मतलब क्या तो होता है बहुत एवरी थिंग एट सिक्स एंड सेवनसेस ठीक है ना विद द हैवी ब्रीदिंग और बहुत ही देते सांस लेने का उनके पापा <laughs> आ, आ, जो वेस्ट पहन करके बैठे हैं टेबल के पास ठीक है ना <coughs> इनके पिताजी वहीं पर बैठे आप देखो इतनी सारी जब गैस है कमरे में है ना स्टीम है तो सांस लेने में कठिनाई तो होगी तो आ, इस तरीके से सा सांस ले रहे हैं टेबल के पास बैठ के डर्टी वॉशिंग पाइल्ड और जो वॉशिंग का मतलब क्या है जो बर्तन है बहुत सारे पाइल्ड हो रखे कॉर्नर में रखे हुए ठीक है ना सोफी अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट सोफी को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि अब उसको इतनी सारी हवा है मतलब गंद भी है कमरे में सब उल्टा सीधा ये सब देख करके उसके गले में एकदम टाइट टाइट सा फील हो रहा है इसलिए सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जी ऑफ इसलिए ऊपर चली गई छत पर अपने भाई जी ऑफ को देखने क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है अगर सब लोग लिख देंगे भैया क्लियर है तब मैं आगे बढ़ूंगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में सब लोग लिख दो क्लियर है तब तक मैं जरा सा सांकारा पी लेता हूँ तो गर्म पानी बाबा आकाश मेरे भाई तुम पूछ रहे हो इनकॉग्रुटी का मतलब बता दो इनकॉन्ग्रुटी यानी कि जब आप चीजें आउट ऑफ प्लेस होती हैं अब देखो एग्जाम्पल से समझो बेटा अब मान लो मेरी टी शर्ट ऐसी होनी चाहिए लेकिन अगर मैं इस टी शर्ट को ऐसे पहन करके आऊं ठीक है तुम्हारे सामने ऐसे पहन करके आए कर है, ठीक है तुम क्या बोलोगे भाई ये टीचर मास्टर पागल है क्या तो ये इनकॉन्ग्रुअस लग रहा है हम इसको ऐसे पहन करके आए ठीक है ना और या फिर तुम्हारे सामने ऐसे पहन करके हम तुमको पढ़ाए तो तुम कहोगे मास्टर पागल टाइप कहकर झोला टाइप का, का मास्टर इन है आउट ऑफ प्लेस है इसको ऐसे नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये क्या है इनकॉग्रुअस है ठीक है जल्दी से फोटो खींच लो ताकि तुम लोग बाद में मीम बना सको जब मैं महान टीचर बन जाऊं ठीक है चलो बात समझ गए अब उतार लें इसको हम समझे बाबा समझाने के लिए करना पड़ता है बाबा है पढ़ते पढ़ाते में मजा नहीं आई हंसी नहीं आई तो तुमने सीखा क्या जिंदगी में ठीक है चलो हाँ में थोड़ा अस्त व्यस्त ठीक है मामला थोड़ा गड़बड़ है ठीक है सभी को क्लियर है चलो ऑल क्लियर है भैया चलो वेस्ट मतलब बता दो बेटा वेस्ट का मतलब होता है आपका बनियाइन खोल के दिखाना अपनी भैया ये शर्ट हो गई इसके नीचे ये इसको बोलते हैं वेस्ट हर आदमी जो पहनता है भैया जो व्यक्ति जो पुरुष वेस्ट पहनते हैं उसको वेस्ट बोलते हैं महिलाएं पहनते हैं उसको ब्रा बोलते हैं है ना हालांकि भी आती है अलग अलग नाम दिए गए हैं 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 तो वैसे पुरुष जो पहनते उसको क्या बोलते वेस्ट बोलते वेस्ट और अंडर गारमेंट भी बोला जाता है ऊपर नीचे ठीक है ना और लगना समझ गए बाबा समझ आ गया सर चलो सर नहीं बोलना भैया बोलने की हो रही है ठीक है चलो एक बार हम अपना सही कर ले अपना सब मामला कॉन्ग्रोस कर ले ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे आकाश समझ गए आगे बढ़ो आगे आया ही वॉज नीलिंग ही कौन है जी ऑफ ही कौन है बाबा जी ऑफ ही कौन है जी ऑफ ज नीलिंग नीलिंग का मतलब होता है घुटने के बल बैठा था जैसे ये बैठा हुआ घुटने के बल वैसे घुटने के बल बैठा हुआ था ठीक है ना अनुराग भाई बहुत जल्दी इलेवंथ का अभी द एडवेंचर चैप्टर दो चार दिनों में आने वाला है ठीक है ना इलेवंथ का वो भी एकदम वन शॉर्ट होगा उसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे एमसीक्यूज मिल जाएंगे और साथ ही साथ पूरा एक्सप्लेन मिल जाएगा ठीक है चिंता नहीं करने का भैया है तो बस टेंशन नहीं करो भरोसा रखो ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिस मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज पेपर स्प्रेड ऑन द कार्पेट टिंकरिंग का मतलब क्या बेटा टिंकरिंग का मतलब वो रिपेयर कर रहा था का मतलब क्या है? हैज रिपेयरिंग अब चूंकि इसका भाई क्या है इसका भाई क्या है? अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे करके ठीक है ना ठीक है आ जाइए <laughs> ही वॉज बेटा बड़ा भाई है छोटा भाई नहीं मेरी जूली ठीक है जूली जूली चलो ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर वो घुटने के बल बैठा हुआ था जमीन पर इन द नेक्स्ट रूम बगल वाले कमरे में टिंकरिंग रिपेयर कर रहा था पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल उसकी जो मोटरसाइकिल उसके कुछ पार्ट को ओवर सम न्यूज पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट 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 के ऊपर भैया न्यूजपेपर बिछा रखा न्यूज पेपर के ऊपर कुछ सामान रखा है उससे अपनी गाड़ी का भैया कुछ पार्ट सही करने में लगा हुआ है ही वॉज थ्री ईयर्स आउट ऑफ स्कूल उसको तीन साल हो गए स्कूल छोड़े मतलब कि स्कूल उसका कंप्लीट हुआ तीन साल हो गए और अभी वो क्या है एन अप्रेंटिस मैकेनिक अप्रेंटिस का मतलब होता है बेटा शाहगी आप लर्नर

अब मैं क्या बात कर रहा हूं सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हज लाइफ वो क्या कर रही सस्पेक्ट कर रही है उसकी कुछ एरियाज के बारे में जिनके बारे में वो कभी नहीं जानती समझो मेरी बात को अब वो रोज दूर जाता है मोटरसाइकिल से है ना काम करता है काम करके वापस घर आता है तो वो सोच रहे यार कि इतनी दूर दूर जाता है पता नहीं इसकी लाइफ कैसे कौन कौन से एरियाज है कौन कौन सी चीजें हैं जो ये घूमता है एक्सप्लोर करता है मुझे कुछ नहीं बताता है सी न्यू नथिंग उसके बारे में कुछ नहीं जानती वो कहां जाता है क्या काम करता है ना मतलब कितनी दूर जाता है अबाउट विच ही नेवर स्पोक जिसके बारे में वो कभी बात भी नहीं करता है भैया रिपीट दिस स्लाइड काजल बोल रही हैं रिपीट दिस स्लाइड तो बिल्कुल हो जाएगा बेटा रिपीट क्यों नहीं होगा तुम इन लोगों के लिए है यार पढ़ाई लिखाई चलो वो ऊपर चली गई क्योंकि कमरे में बहुत ज्यादा भसड़ पड़ी हुई थी एकदम गंध आ रही थी उसको टाइटनिंग फील हुई गले में तो ऊपर चली गई अपने भाई को देखने भाई क्या था भैया घुटनों के बल बैठा हुआ था और क्या कर रहा था वहां पर नेक्स्ट रूम में ऊपर दो तीन कमरे होंगे उनमें से एक रूम में बैठा हुआ वो क्या कर रहा था एक अपनी गाड़ी के किसी पार्ट को मैकेनिक को

ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी और वो जब काम करने अपना जाता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है उसको फार साइड का मतलब होता है शहर में काफी दूर जाना पड़ता है उसको अपना काम करने के लिए ही ऑलमोस्ट ग्रोन ग्रोन अप अप वो पूरी तरीके से हो हो चुका है, मतलब की हो चुका है she, है मतलब एडल्ट एंड शी जो सोफिया सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच सी न्यू नथिंग और जो सोफिया सस्पेक्ट करती है यानी कि सोचती रहती है काफी कुछ अपने दिमाग में सोचती विचारती रहती है उसकी लाइफ के बारे में उसकी मतलब जियो की लाइफ के बारे में कि यार ये क्या क्या एक्सप्लोर करता होगा जाके है ना क्योंकि वो तो अपने घर पर ही रहती है

सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलेंट्री और वो अपनी मर्जी से वॉल्ट्री का मतलब क्या होता है अपनी मर्जी से वो बहुत कम ही बोलता है है ना ही है अपनी मर्जी से कौन जो ऑफ जो इसका बड़ा भाई है जी वो अपनी मर्जी से बहुत कम बोलता है बात लिखी है भैया कि जो वर्ड्स होते हैं ना जो शब्द होते हैं उसके मुंह से इस तरीके से निकलते हैं इस तरीके से निकलवाने पड़ते हैं जैसे स्टोन निकाले जाते हैं जो प्रेश स्टोन होते हैं हीरा हो गया माड़िक हो गया पुखरा

कि जब इसका बड़ा भाई जियफ यहां पर समझ जाओ जब इसका बड़ा भाई जी आफ, साइलेंट होता है ना उसको क्या लग रहा है सोफी को सोफी को यह लगता है जब इसका बड़ा भाई जियफ शांत होता है तो पक्का अपने इमेजिनेशन में खोया रहता होगा और अपनी इमेजिनेशन में उन जगहों पर जाता होगा जहां पर ये रोज काम करने जाता है इतनी प्यारी प्यारी जगहों पर ये वो सोच रही बहुत ध्यान से सुनना यार वरना सब फिसल जाएगा हाथ से फिसलने नहीं देना है भैया से पढ़ना तो फिसलना कुछ नहीं हाथ से एंड शी वॉज जेलस ऑफ विस साइलेंस वेन ही वॉज स्पीकिंग इट ट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर आउट देर इन द वर्ल्ड ऑफ दो प्लेसेज सी हैड नेवर बीन तो यही सोचती है वो कि जब कुछ बोलता नहीं है साइलेंट रहता है तो पक्का उन जगहों के बारे में सोचता है जिन जगहों पर सोफी कभी भी नहीं गई है और वो रोज जाता रहता है रोज एक्सप्लोर करता है वो ऐसा सोचती है कि शांत रहकर के अपनी उन सभी ख्यालातों में डूबा रहता है क्यों उसको ऐसा लगता है किसको सोफी को क्योंकि भैया वो तो डेड रिमार तो में घूमी रहती है तो उसको लगता है क्या पता ये भी में डूबा रहता हूं, पर ऐसा नहीं है बेटा वो ख्यालों में नहीं डूबा रहता वो अपना अपने काम से मतलब रखता है बेटा जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को लाइक कर दो है ना मुझे बार बार बोलवाया मत करो और विशेल तिवारी जी बोल रही हाइपरबोल क्या होता है हाइपरबोल सीख जाओगे अभी रुक जाओ बता देते हैं पांच तारीख आने वाली पांच नवंबर पांच नवंबर तुम्हारे लिए बहुत अच्छी तारीख है पांच नवंबर को संडे है क्या है पांच नवंबर को संडे अभी आ रहा है पांच नवंबर और उस संडे को मैं ग्यारह बजे उस संडे को मैं ग्यारह बजे वन शॉर्ट सोल्यूशन लेकर के आने वाला हूं किस चीज का बेटा सिर्फ और सिर्फ एक चीज का जिसका नाम है डिवाइसेस, सिम्बली से लेकर मेटाफर से लेकर के पन से लेकर के जितने सारे हाइपरबोल है ना और क्या बोलते हैं एलिट्रेशन एनाफोरा सबका सब क्लियर कर दूंगा इतने प्यारे एग्जांपल दूंगा मैं ऐसे छुटकियों में समझ जाओ कि भैया आ गया ठीक है ना परेशान मत हो बस जब तक भैया है तब तक टेंशन मत हो ठीक है ना अरे वाह यहां पर एक बहुत प्यारा लड़का साजिद विद सेवेंटी डेज अभी यह बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि सेव पैलेस्टाइन और अब पूछ रहा है सर क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है मेरी बहुत सी चीजों में नमक है बेटा कभी ट्राई करोगे तो पता चलेगा ठीक है ना मेरी क्लास में बकैती मत करना क्योंकि वैसे तो हम चिल रहे थे लेकिन जहां मेरा चिल हट गया तो फिर ऐसा सुना दूंगा ना कि तुम्हें शर्म आएगी कि मुझे पैदा क्यों किया मेरे घर वालों ने तो ऐसा अगर नहीं सुनना चाहते हो तो बिल्कुल इज्जत मोहब्बत के साथ रहना यहां पर वरना दिक्कत हो जाएगी ठीक है ना चलो आई थिंक तुम समझ गए मैं किस हद तक जाकर के तुम्हें सुना सकता हूं क्योंकि मुझे उतनी पड़ी नहीं है उन चीजों की कि मुझे क्या सुना दोगे बच्चे मुझे पसंद नहीं करेंगे बच्चे करेंगे क्योंकि मैं अपनी जान झोंक देता हूं पढ़ाने में तो यहां पे बिल्कुल भी बकैती नहीं करनी है ठीक है ना जो समझने वाले थे वो समझ गए कि तुम्हारी कितनी बुरी तरीके से रोस्टिंग हो चुकी है अब भी तुम्हें शर्म नहीं आती तो लिखते रहो वेरी गुड कीप गोइंग बेटा चलो आगे आ जाओ <laughs> <coughs> बोला है ना उस्तादों से उस्तादी नहीं करनी चाहिए उस्ताद है तुम्हारे सामने चलो आओ उटलाइन ओनली कहा जाता हूँ ना जो उसका शहर है अंत में जाता हूं वहीं पर जाकर काम करके आ जाता हूं या फिर शायद ये सराउंडिंग ऑफ द कंट्री यानी कंट्री का मतलब देश नहीं है मतलब जो गाँव है जो शहर है जहां ही रहते हैं वहां से वो जाकर के काम करता हूं ठीक है ना चलो आगे देखते हैं हु न्यू और वो सोच रही कौन जानता है पता नहीं कहां कहां जाकर घूमता हो दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अनोन टू हर एंड रिमेन आउट ऑफ रीच अब देखो ये सारी की सारी चीजें इसको फेंटिसाइज क्यों कर रही है क्योंकि इन सभी चीजों से ये दूर दूर तक वाकिफ नहीं है बहुत दूर कर रही है कि यार ये कहां जाता होगा कितनी बढ़िया जगह पर घूम के आता होगा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सभी अनोन सभी है जगह है वो तो भैया घर पर रहती है स्कूल जाती है उससे ज्यादा कहीं जा नहीं पाती है और भैया उसका भाई जो है भैया आउट ऑफ द रीच भैया जहां जाकर घूम करके आता है और ये सारी की सारी जगह सोफी के दिमाग से भी परे हैं सोफी बस सोच सकती है लेकिन उन चीजों को असलियत में इमेजिन भी नहीं कर सकती क्योंकि वो कभी गई नहीं है ठीक है ना सभी को मजा आ रही है चलो बहुत बढ़िया बच्चा बोल रहा है भैया इज नंबर वन रोस्टर मजबूत कर मजबूर कर देते हैं चलो अब एक और आ गए क्या भैया आ रहे तुम भी अब पूछोगे क्या हमसे हैं है अपने बच्चे होकर के ऐसा काम मत करो फेंटिसाइजिंग अट्रैक्शन चलो आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं क्लियर है Perhaps there were also people exotic interesting अभी इसके दिमाग में चल रहा है मेरा भाई कहां जाता हूं उसी से रिलेटेड चल रहा है क्या चल रहा है भैया <coughs> Perhaps, perhaps का मतलब क्या होता है Perhaps का मतलब होता है शायद Perhaps का मतलब क्या होता है शायद There were also people, शायद वहां पर भी लोग होंगे Exotic, exotic का मतलब क्या Exotic का मतलब बहुत ज्यादा शानदार लोग होंगे Interesting people होंगे Of whom he never spoke, जिसके बारे में उसका जो बड़ा भाई ही का मतलब जी ऑफ जहां वो जाता है रोज काम करने शायद वहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग गए एग्जॉटिक यानी कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग uh, uh, लोग होंगे है ना एक्स्ट्रॉर्डनरी uh, लोग होंगे बहुत इंटरेस्टिंग लोग होंगे जिनसे वो रोज मिलता है लेकिन उसके बारे में कभी बताता नहीं है इट वॉज पॉसिबल और यह भी पॉसिबल है चूंकि दो का मतलब चूंकि भाई जो है शांत रहता है एंड डेंट मेक न्यू फ्रेंड शायद उसके नए दोस्त ना भी बने हो सी लॉन्ग टू नो दे हालांकि लॉन्ग का मतलब क्या होता है सी डिजायर्ड टू नो देम है ना लॉन्ग का मतलब क्या होता है सी डिजायर्ड उसका बहुत मन करता है कि उन सभी लोगों को जाने जिनके बारे में उसका भाई उसे नहीं बताता है सी शी कुड बी एडमायर्ड मोर इंटू हर वो, वो भैया अपने भाई से ज्यादा करीबी बढ़ा सके क्यों करीबी बढ़ा सके भी पता चलेगा वो चाहती है कि उसके भाई से उसकी जो बॉन्डिंग है और अच्छी हो जाए एंड दैट समे और शायद किसी दिन ही माई टेक हर विद हिम और शायद किसी दिन वो भाई उसको अपने साथ ले जाए अब सोफी चाहती है कि उसकी और उसके भाई की जो करीबी और ज्यादा बढ़ जाए इनके बीच का बॉन्ड और अच्छा हो जाए अगर उनके बीच का बॉन्ड अच्छा होगा तो शायद किसी दिन जो जीओफ़ है इसका जो बड़ा भाई है खुश हो जाए इससे और कहे चलो तुमको भी आज मैं लेकर के घुमाने ले जाता हूं ठीक है ना चलो ठीक है वो शायद ऐसा हो जाए आगे बढ़ते हैं दो देर फादर फॉरबेड इट हालांकि उनके पापा जो फॉरबेड का मतलब क्या होता है मना करते हैं एक होता है फॉरवेड फिर फॉरबेड उनके पिताजी मना करते हैं Forbid यानी कि फर्स्ट फॉर्म हो गई forbid यानी second form. कि सेकंड फॉर्म हालांकि उनके पिताजी मना करते हैं एंड जी हैड नेवर एक्सप्रेस एन ओपिनियन और जी कभी भी कुछ बोलता नहीं कि वो किसी जगह ले जाएगा या नहीं ले जाएगा वो बस बात को मान जाता ठीक है ना आशीष कुमार भैया लव फ्रॉम बिहार यू आर द बेस्ट इंग्लिश टीचर बेस्ट रोस्टर एंड बेस्ट कॉमेडियन आई हैव एवर सीन ऑल राउंडर बहुत बहुत धन्यवाद यार आशीष कुमार बस ये जो तुम्हारा प्यारा सा प्यार्ट है आई वुड लव टू सी अगर ये सेक्शन में आ जाए है ना अभी ये लाइव चैट में लाइव चैट बाद में डिसअपियर हो जाती है जब सेशन हो चुका होता है लेकिन अगर यही मुझे मिलता है ना क्या बोलते हैं कॉमेंट सेक्शन में आई विल श्योरली रिप्लाई यू फ्रॉम माई ओन आई है ना मैं अपनी खुद की आई से तुम्हें रिप्लाई करूंगा ठीक है जी चलो साजिद विद 75 डेज बोल रहा है सॉरी सर बेटा माफ किया तुम अपने छोटे भाई हो तुमने गलती की तुमने मजे लेने की कोशिश की तुम्हारे मजे हो गए कोई बात नहीं तुमने माफी मांग ली मेरे उतने ही करीब हो गए मेरे फिर से तुम गले लग गए आकर के बहुत बढ़िया बेटा बेटा इतनी खुशी मिलती है ना तुम्हें सच बता रहा हूं बेटा साजिद लोग गलती करना जानते हैं पर मद क्या बोलते हैं क्षमा मांगना नहीं जानते जिसने क्षमा मांगना सीख लिया उसके लिए मैं अपने हाथ जोड़ता हूं यार जिसमें क्षमा मांगने की हिम्मत है ना वो संसार में कुछ भी कर सकता है क्योंकि आदमी बहुत कुछ कर देगा पर क्षमा नहीं मांग पाता पर तुमने क्षमा मांग ली इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि बहुत अच्छे बेटा तुम्हारे ऐसे बच्चे बहुत जरूरी है जिनके अंदर इतना धैर्य है इतना साहस है कि वो क्षमा मांगना जानते हैं आप किसी को थप्पड़ मार दोगे बड़ी बात नहीं है लेकिन थप्पड़ मारने के बाद ये बोलना भैया माफ कर दो गलती हो गई जो सजा दोगे ले लेंगे ये बड़ी बात है क्षमा देने वाला बहुत बड़ा है क्षमा मांगने वाले से ठीक है ना मांगना भी बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छा लगा बेटा साजिद बहुत अच्छा लगा बहुत ज्यादा अच्छा लगा चलो भैया फिर से साइड वाला हाँ ठीक है सेवेज क्वीन में देख रहा हूं ठीक है ना ठीक है बेटा पक्का डालोगे आशीष कुमार थैंक यू यार चलो यहां पर अलग ही चल रहा है माही और आरव का कि बाय बाय फॉर एवर मैं चली जाऊंगी मैं दूर जा रहा हूं अरे सैवि देख लिया बाबा पढ़ा देंगे चिंता मत करो भैया यहीं पर है, है आगे दो देर फादर फॉरबेट हालांकि उसके पापा क्या करते मना करते हैं जी ऑफ के साथ तुमको घूमने नहीं जाना है ठीक है ना तुम कहीं नहीं जाओगी तुम घर पर ही रहोगी ऐसा सी न्यू सी न्यू ही थॉट हर टू यंग और ऐसा है कि भैया जो पापा है ना उसको बहुत ज्यादा सी न्यू वो जानती है मतलब सोफी जानती है ही का मतलब कौन है ही का मतलब जी ऑफ उसको बहुत छोटा समझता है बेटा पूरा ध्यान यहां पर लगा करके बैठो अदरवाइज टेंशन में हो जाओगे विधि सिंह बोल रही है आई विल कमेंट बिकॉज ओवरऑल इंप्रेसिव वे ऑफ टीच थैंक यू बेटा विधि इट्स रियली really, क्योंकि मेरा <coughs> मैं सीधी बात करता हूं बच्चा विधि है ना मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर अल्टीमेटली YouTube आपके लिए एक Amazon की तरीके है आप पढ़ने निकले हो आप एक सही गुरु की तलाश कर रहे होते हो तो आप जब कमेंट्स देखते हो ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेरे भी कमेंट्स देखते होंगे इससे उनको पता चलता होगा नहीं यार ये टीचर भरोसे वाला टीचर है और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुझसे जुड़े क्योंकि मैं जानता हूं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं अगर मैं दस बच्चों के लिए मेहनत जितनी कर रहा हूं वही मेहनत अगर हजार लाखों बच्चों तक पहुंचे तो बहुत बड़े लेवल पर मैं भला कर सकता हूं चाहता हूं कि से अर्जुन निकालने बहुत सारे इतने अर्जुन बना दूंगा ना मैं इतने अर्जुन बना दूंगा कि यार जब इंग्लिश का नाम आएगा ना बच्चे लिख देंगे जाके भैया आदित्य भैया से पढ़े इंग्लिश का जो क्वेश्चन देना है पूछ लो हिला करके रख देंगे वो चाहिए मेरे को और आएगा बेटा जरूर आएगा सॉरी बढ़ते हैं आगे बहुत ध्यान से देखना क्योंकि शी ही शी ही बना रहेगा तुम्हें समझ में आएगा ही कौन है शी कौन है बहुत ध्यान से देखो यहां पर सोफी जानती है कि जो उसका बड़ा भाई जी ऑफ है उसको हमें अभी भी बहुत छोटा मानता है यंग मानता है एंड शी वाज इम्पेशेंट लेकिन वो जो इसकी बच्ची है ना ये सोफी बहुत इम्पेशेंट है अधीर है उसके अंदर धैर्य नहीं है और मैं हमेशा बोलता हूं अगर सफल होना है तो धैर्य चाहिए जीवन में आगे देखते हैं भैया भैया यू आर माई फेवरेट टीचर बहुत बहुत धन्यवाद यार चलो बढ़िया है प्यार मोहब्बत बना करके रखो सी वॉस

भैया डब वाले गाने जो होते है, होते हैं हैं ऐसे ही टेढ़े मेढ़े से ठीक है ना अरे वाह यार क्या ही रहा है कि भैया मेरे को सत्तर में से साठ आया बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया यार मेहनत मेरी वजह से नहीं यार तुम्हारी वजह से तुमने मेहनत की हम तो सब कोई पढ़ा रहे हो उतना अच्छा सब कहा ला पा रहे जिस दिन सब लाएंगे उस दिन लगेगा कि हां भगवान ने कुछ ताकत दी है हमारे अंदर भी अभी तो तुम्हारी ताकत है ठीक है आगे देखते हैं भैया सी कॉन्शियस ऑफ वास्ट आउट देयर भैया पूरा संसार उसका वेट कर रहा है और वो भाई साहब इंस्टिक्टिवली सी न्यू न्यूस्टिक्टिवली का मतलब बिना सोचे बिना समझे वो सोचती है कि भैया मैं उतना ही कंफर्टेबल फील करूंगी घर के बाहर भी जितना मैं घर पर फील करती हूं मतलब कि वो सोचती है कि अगर मैं दुनिया में बाहर भी चली गई तो भी मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ यहां तो मैं कंफर्टेबल फील करती ही हूं ठीक है आगे बढ़ जाते हैं इससे पहले पीछे आ जाओ बहुत तेजी में समझाएंगे बेटा सेवेज क्वीन पूछ रही थी इसको समझा दो सेट अ लिटिल बेटा जो उसका भाई ये बहुत कम बोलता था अपनी मर्जी से वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से वर्ड हैम लाइक स्टोन आउट ऑफ द ग्राउंड उसके मुंह से शब्दों को ऐसे निकालना पड़ता था जैसे भैया स्टोन निकालने पड़ते हैं जमीन से एंड सी वॉज जेलस ऑफ इिस साइलेंस और अपनी भाई की वो साइलेंस से छुपी से जलस थी कि भैया ज्यादा बोलता नहीं है वे हिजेंट स्पीकिंग इट वॉज एज दो समेर आउट देर इन दर्ड ऑफ दोवर बीन और जब वो बोलता नहीं था उसका भाई जी ऑफ बेटा एक बच्चे ने बोला से रिपीट दो मैं कर दूंगा ठीक है ना और जब उसका भाई जी ऑफ ज्यादा बोलता नहीं था तो उसको सोफी को लगता था कि जब ये शांत होता है ना मेरा भाई तब उस समय शायद उन चीजों के बारे में इमेजिन कर रहा होता है है ये रोज जाता है, जिन लोगों से रोज मिलता है जिन लोगों के पास जाकर की बातें करता है आउटलाइन है, है डिस्ट्रिक्ट भले ही वो इस शहर के थोड़ा सा लास्ट में पड़ते हो आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है और उसी से एक डिस्ट्रिक्ट यह लगी है मान लो यहां पर सोफी का भाई ये डिस्ट्रिक्ट के इधर काम करने जाता है इसी को बोलेंगे आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट है ना आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री या फिर शायद एक शहर से दूसरे शहर में काम करने चला जाता हूं है ना हु न्यू कौन ही जानता है दे अटेंड स्पेशल फैसिनेशन सिंपली और ये सारी बातें दे का मतलब क्या है ये जो सारी बातें मेरा भाई वहां जाता होगा इतने मजे करता होगा ऐसे लोगों से मिलता होगा वैसे लोगों से मिलता होगा ये सारी की सारी बातें उसके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि बिकॉज दे वर अनोन टू हर क्योंकि ये सारी की सारी बातें उसके लिए कैसी अनोन है साथ ही साथ एंड रिमेंड आउट ऑफ अर रीच और ये सारी बातें उससे आउट ऑफ रीच रह जाती हैं उसके बहुत दूर रह जाती हैं ठीक है ना उसको बिल्कुल नहीं सर मैं तो आज आपका फैन हो गया अरे भाई फैन नहीं बनो ठीक है ना मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चे साजिद कभी भी किसी का फैन नहीं बनना है हमेशा अपनी इज्जत करनी है लोगों की इज्जत करनी फैन का मतलब समझते हो अपन पंखा बनने नहीं आए हैं हालांकि बहुत सारे टीचर्स को ये बात मजा आती है अरे मेरे फैन घूम रहे हैं मेरे चेले चपाटी मेरे लिए मेरे छोटे भाई बन करके रहो मेरे प्यारे स्टूडेंट बन करके रहो पढ़ाई मन लगा करो कर, 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 अपने घर वालों की इज्जत करो किसी से उल्टी सीधी बात मत करो किसी को गाली गलौज मत करो प्यार से रहो जितना रह सकते हो मेरे लिए बेटा वही मेरे लिए सब कुछ है तुम्हारा ठीक है ना जितना प्यार से रहोगे मेरे लिए उतनी खुशी है अगर मैं पांच सात लोगों को भी ऐसा बना सका ना कि वो बहुत प्यार से समाज के साथ रहे तो मैं समझूंगा बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए ठीक है बस प्यार से रहो और कुछ नहीं चाहिए चलो क्लियर हो गया समझ को आगे बढ़ते हैं यहां पर आओ अब Uh, उसको ऐसा लगता था बिना सोचे कि भैया पूरी दुनिया तो मेरा वेट कर रही है मैं बाहर और लोग एकदम अरे दीदी आ गई सोफी दीदी दी दीदी दी दी। ऐसे करने लग जाएंगे उसको यह लगता है आइए इट एक्सपेक्टेंटली क्या लिखा है हाँ इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल इट का मतलब क्या है इट वर्ल्ड ये जो बाहर की दुनिया है ना ये जो पूरा संसार है ना ये एकदम बहुत तेजी से अवेट कर रहा है उसके अराइवल का उसके आगमन का कि कब सोफी दीदी आएंगे हम लोग झंडे फहराएंगे सोफी दीदी आ गई सोफी दीदी जय हो सोफी दीदी जय हो उसको कुछ ऐसा लगता है वो फैंटिसाइज कर रही है सी सो हर सेल्फ राइडिंग दियर बिहाइंड जी ऑफ और वो अपने को इमेजिन कर रही है कि जियक चला और वो बैठी हुई है पीछे गाड़ी में और राइड कर रही है वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर और कपड़े भी इमेजिन कर रही है भैया कि भैया जी ने क्या पहना है और मैंने क्या पहना है क्या पहन रखा एक येलो ड्रेस पहनी हुई है विद्ड ऑफ केप देट फ्लू आउट बिहाइंड अब केप का मतलब क्या है केप का मतलब होता है बेटा जो इस तरीके से खुला हुआ सो इस तरीके का उसने कुछ कपड़ा पहना उसको लग रहा है और जब गाड़ी चल रही ना तो एकदम कपड़े उसके ऐसे ऐसे फर

उंड ऑफ एप्लॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीड और साउंड ऑफ एप्लॉज यानी कि लोग तालियां बजा रहे भैया है।, है ना लोग क्या कर रहे हैं तालियां बजा बजाने के अरे आ गई आ गई आ गई बिल्कुल यही हो रहा है जो उसके दिमाग में चल रहा है मैं बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा चल रहा होगा ठीक है देर वॉज द साउंड ऑफ अपलॉज उसके दिमाग में भैया साउंड ऑफ अपलॉज चल रहा है भैया कि भैया लोग तालियों की गड़गड़ाहट गल उसको सुनाई दे रही है एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीड दम क्योंकि पूरा का पूरा संसार खड़ा हो रखा है तालियां बजाने के लिए उसके लिए ही सेट फ्रोनिंग एट द ऑयली कहा आ गई रियालिटी में अभी तक वो भैया चला रहा है मेरा भाई लोग तालियां मजा रहे मुझे आ जाएगी भाई लेकिन एकदम से वो कहा जाती है लैंड करती कहां पर एक एकदम से आ जाती में. अब में क्या आती है तब देखती है कि उसका जो भाई है फ्रोनिंग। फ्रोनिंग का मतलब एकदम करके किसको देख रहा है फ्रोनिंग द ऑयली कंपोनेंट एक कंपोनेंट है उसके हाथ में ऑयली उसको देख रहा है चिड़ करके ही क्रेडल्ड क्रेडल्ड का मतलब क्या होता है क्रेडल का मतलब होता है इसको उसने पकड़ा हुआ है इन हैंड अपने हाथों में एज एस दो ऐसा लग रहा है मानो इट इज अ स्मॉल डम एनिमल मानो <coughs> जिस छोटे से पार्ट को उसने पकड़ रखा है ये एक स्मॉल एनिमल है एंड ही विलिंग इट टू स्पीक और ऐसा लग रहा है मानो कि वो उम्मीद कर रहा है कि कब ये बोलेगा कब ये आवाज करना शुरू करेगा ठीक है ना चलो चलो भैया हमारे पूरे घर में आपकी वॉइस गूंज रही है हमने फुल साउंड कर दिया है कबीर सिंह का थीम बजेगा पीछे से हमारे घर में भी सिर्फ आपकी ही आवाज गूंज रही है <laughs> डेनी कैसी इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है अभी जब वो रियलिटी में आती तब देखती कि भैया फ्रोनिंग यानी कि जो उसके हाथ में कंपोनेंट लिए हुए क्रेडल का मतलब ही इज होल्डिंग वो एक हाथ में अपने कंपोनेंट लिए हुए है जिसमें भैया तेली जिसमें तेल वेल लगा हुआ है और वो उससे मान लो पूछ रहा हो कह रहे बता दे बाबा सही कैसे होगा ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक ऐसा क्योंकि सही नहीं कर पा रहा है उसको तो वो सोच रहा है यार कैसे सही होगा बोल तू बोल अब मान लो मेरे पास एक कंपोनेंट है ये ठीक है ना और मैं इसको नहीं सही कर पा रहा हूं इधर बहुत देर से लगाऊ तो मैं इसको हाथ में लेके कहूंगा अरे भाई तू ही बता दे कैसे सही होगा अब जैसे वो बोल देगा इस तरीके से वो बताने

साइड से भैया होगा कल ठीक है ना आई मेट डेनिक एसी सोफी सेट एक बार थोड़ा सा पढ़ा देते हैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पंद्रह पे आ जाओ क्योंकि काफी मजे के साथ पढ़ाई होती है थोड़ा सा टाइम लगी जाता है ठीक है अब भैया एकदम से उसके दिमाग में जगेगी भैया खुराफात और क्या बोलने जा रही है वो बोल रही है आई मेट डेनिक एसी मैं किससे मिली बेटा तीन मिनट और पढ़ाएंगे फिर उसके बाद ये वाली स्लाइड पढ़ा के हम लोग कल पढ़ने वाले हैं

आगे इन द आर्केड आर्केड यानी कि आर्केड यानी कि एक गलियारे में गैलरी में एकदम हंसते हंसते मतलब लोटपोट हो रही है और कह रही अरे मैं, आ, गलियारे में मिली थी दुकानें सही नहीं है तो कहती है डैड को बताया जी ऑफ क्या पूछ रहा है क्या तुमने डैड को बताया अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कल यानी कि इसी स्लाइड से हम लोग यहां से शुरू करेंगे और कल ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे और एट लास्ट आप सभी से क्या कहना भैया तुम लोग कुछ भी करना उससे पहले कुछ भी करना उससे पहले भैया मेहनत करो सफल हो जाओ और सबसे पहले मैं जो चाहता हूं भैया बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा बोल ही दिया है तुम सभी से यार एक चीज की अपील मैं रोज करता हूं और आज भी कर रहा हूं और खास करके वो लोग जो प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं और जिनको कुछ नहीं भी समझ में आता है वो भी मुझे बताओ कि समझ में नहीं आ रहा है पता नहीं क्या करते रहते हो कॉमेंट करके जाना यार तुम्हारा कॉमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है ठीक है ना और अगर तुम लोगों के लिए वैसे खुशखबरी बता दूं बहुत जल्दी सीवीटी का बैच लेकर के आ रहा है तुम्हारा भाई ठीक है ना उसमें तुमको इंग्लिश पढ़ाएंगे कार्ड करके और अभी पांच तारीख को कब बेटा पांच नवंबर को आपकी क्लास होने वाली है दिन के ग्यारह बजे जो संडे है पोएट्री डिवाइसेस पढ़ाऊंगा और इसी हफ्ते में पांच नवंबर वाले हफ्ते में ही मैं पूरी की पूरी पोएट्री का एक सेशन लेने वाला हूं जिसमें पूरी पोएट्री कवर करवा दूंगा ठीक है कोई किसी को बैच वैच लेना है तो मुझे तुम मैसेज कर सकते हो एस कोड लगाओगे तो सेवनटीन का सीधा डिस्काउंट मिलेगा और मेरी ई मेल तुम अभी से समझ लो बेटा क्या है आदित्य कोई समस्या परेशानी तो इसमें मुझे मैसेज कर सकते हो आदित्य डॉट तिवारी As द रेट अड्डा टू फोर्टी सेवन डॉट कॉम ये मेरी ईमेल आई डी इस पर तुम तो मुझे मैसेज कर सकते हो एंड आई वॉन्ट वन थिंग तुम सभी से कि कॉमेंट करना सो दैट आई कैन गेट टू नो कि हाँ तुम लोग का प्यार मिल रहा है मुझे ठीक है ना मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में कल इसी समय सात बजे तब तक के लिए सभी बच्चों जय हिंद